अनि मम्मी अनि हजुरआमा यता हामी तिनजना भयौँ अनि अनुहारले त हुन्छ साइडमा त्यही त अनि मैले पछाडि मान्छेहरू चिनिसक्नु भएको छ अनि पछाडि त्यो दिदीले त्यही त्यो बिला भाइले मेरो दिदी जस्तै क्या थ्याङ्क यू मेरो भाइ उसँग पुछा भी था कि भाई आयुष आ रहे क्या मैंने कहा नहीं कैसे आएगा वो जब वीजा ही नहीं है हेलो गाइस हाउ आर यू अनि कैसे हो सब लोग आज हम जा रहे सीधा दुबई हबीबी कम टू दुबई ठीक है तो सरप्राइज विजिट है आज पूरी ठीक है लाइव में भी किसी को पता नहीं और एलजी के घर में भी बिलाल भाई को बस बिलाल भाई की और हमारे बीच में बात ठीक है तो शायद कितने लोगों ने तो मतलब गेस भी कर चुका था ठीक है कल लाइव में ही और मेरी वो लाइव आने की लेट वगैरह सब कुछ थोड़ी इस काम कुछ होती है ना वो मतलब ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह और साथ में वो गाने भी हो गए तो इसलिए मैं लेट होता था तो हम सब लोग रेडी हो चुके हैं अभी सुबह के 6 बजे है तो हमारी 9 की फ्लाइट है और हम सीधा अब जा रहे हैं एयरपोर्ट सब लोग फैमिली में और आज हम मम्मी दादी और अनिल मामा और मैं जा रहे हैं और अभिषेक मामा 2 दिन के बाद आ जाएंगे तो अभी हम हो गए पूरी रेडी तो निकल रहे अभी घर से तो फिलहाल अभी घर में इतना ज़्यादा वो कुछ नहीं बनाऊँगा क्योंकि आज सीधा आप एयरपोर्ट में वगैरह क्योंकि मतलब स्पेशल बात क्या है कि आज हमें एयरपोर्ट में कोई ना पहचाने क्योंकि वीडियो वगैरह आ जाएगी टिकटॉक में फिर से तो उसके लिए हमने सब कुछ सेटअप किया है आप लोग को पता चल जाएगी कैब वगैरह मास्क वगैरह सब कुछ तो देखते हैं इंशाल्लाह यार कोई पहचाने नहीं है हमारी वीडियो ना आ जाए जैसे एलिजे की आई थी तो सबैजना रेडी भइसकेको छ है अनि सिधै अब हामी आज आई एम भेरी एक्साइटेड यार कसम भने यति एक्साइटेड यार एलजेको पनि पत्र नै बस उसको साथ मैले नर्मली बात गर्दा त अरू बोल्दा त 1-1.5 महिनाको बाद आज हुँगा क्या हो गई वो बोल्दै थिएँ अरे बर्थडेमा हामी साथी नै रहेँगे क्या सेलिब्रेट गरेँगे यो बोल्दै थिएँ पर क्या हो गया यार बर्थडेमा साथ नै हो त यार पर हाम्रो याद त साथमा यसो यसो बोलके डायल वाल मारे त थामे त कोही नै अभि सिधा आज उसको बर्थडेमा सिधा सरप्राइज देङ्गे अर आज सिधा हामी दुबई जा रहे दुबई तो बस नाम है यार मतलब एलजे से हमारे काम है वही है ख़त्म ओके सीधा आप मिलेंगे उधर नीचे जाके ठीक है अभी मैं इतना ब्लॉग नहीं बनाता हूँ क्योंकि 6 बजने वाली है यार इधर ही तो लेट हो गई है अभी फ़िलहाल तो हम सीधा निकल रहे घर से तो घर से मैं दिखाऊंगा आपको कितना दिखा सकता हूँ और एयरपोर्ट में शायद मैं इतना क्लिक ना करूँ क्योंकि लोग शायद पहचानेंगे तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगी तो इसलिए ओके ओके सी यू अभी भी सो यता है सबैको रेडी हुँदैछ अनि म चाहिँ यस्तो हो छ मेरो अनि यता मास्क लगाउँछु म अनि यस्तो सिजन चिन्दिनँ कसम त्यो ब्याग फेरि छुट्टा दिए अब यसका त त्यो ब्याग त त्यसमा ल्यापटप छ है मेरो लोन्छु मेरो बच्चा बाबाई पुरै रेडी सबै सबजना अनि त्यही हो अनि त्यो ट्याक्सी र अनि अङ्कलको गाडी मगाएको आज अनि जाने अब मैले एकदमै क्याब सबलाई नचिन्ने भइरहेको छ मास्क लगाइदिएँ त्यसपछि कल चिन्दैन बिहान बिहान यस्तो चाहिँ अब मम्मीहरू मम्मी अनि मामा हजुरआमा अनि म आज सिधा दुबई त्यही हो एकदम इन्स्ट्यान्ट उ भयो है तयारीहरू कसानो भन्दा नि भनिएन तर नो वरिज गाइज बर्थडे मनाएँगे उसके अच्छे से कल की ब्लॉग में आएगी शायद और अभी सुनो 2 दिन के बाद आएंगे और आज बस दुबई पहुँचेंगे तो दुबई पहुँच के फ्रेश फ्रेश हो जाएंगे और रात में तो बर्थडे बनानी है शायद वो बर्थडे ब्लॉग तो कल आ जाएगी पर आज दुबई पहुँचने की ब्लॉग देख लीजिएगा आप लोग कैसे हम दुबई पहुँचे नेपाल से अचानक रातों रात नहीं सुबह के सुबह ओके ठीक है आप सीधा एयरपोर्ट में जाके मिलेंगे तो यता हामी आइसकेको छौँ एयरपोर्टमा हेर्न सकिन्छ अनि म अहिले ब्लग बनाउन किनकि इधर ब्लग बनाने के लिए बहुत रिस्क है लोग मुझे पहचानेन इसलिए म अभि देखो इधर जासुस बनके बैठाउँ तो अभी फिलहाल मैं ब्लॉग नहीं बनाऊंगा बाहर अंदर ही बनाऊंगा जब हम अंदर जाएंगे क्योंकि बाहर तो इधर मतलब
खराब हुई है बीटी इधर। ओके भित्र घर भेटाउन सबैजनालाई। अरे यही जगह है जहाँ पिछली बार एलजी को छोड़ा था, यही स्टिकट वाली। तो इस बार मैं खुद को छोड़ रहा हूँ इधर से। अब मेरे लिए तो रोने वाले कोई नहीं है, अब मैं ही खुद रो लेता हूँ मास्क और चश्मे के अंदर। तो फाइनल कुछ आई सके समय हमी मामा भाई तो आज मेरा मामू हजन भमिट आए अहिले आज हजन आए तो अभी गाड़ी में थे तो अभी भमिट आए हजार अलि अंत फाइनल तो हम ये भित्र घुस सकते समय अब तो ये सेफ छह देखि अच्छी माथि गए बल्ल अच सेफ हो तरह होप सो कस भिडियो बनाक सरप्राइज अलग सरप्राइज हो गाइज। हम अभी भर्खर इमिग्रेसन भिट आइस हजू मार हम ये अभी बिहान देखिए खाएक थी जन्म हिजो रात दिन के खाई थी अभी हम अब खाना लगा हल्का पे चिया से मात्र है कफी मात्र क्योंकि ये धीरे भिता एकदम महंगा छ हजार मैं तातो पानी खाइन हजार मैं बिस्कुट लिया गया तो अब बिस्कुट और चिया चिया खाइन ते जान इमिग्रेसन ये गई एक इमिग्रेसन ये गई सीधे अभी अब सीधे उड़ी इस ठीक है बाहर तीर मैं अरे मैं कैप चश्मा है इन सब चश्मा मैं मास्क लगे कैप सब लगा मैं चिंदी रहा क्या बाहर अनि म भागिहाल्थेँ पनि म ब्लगै गर्न म यस्तो क्यामेरा चलाउँदा चाहिँ हातमा होइन अनि झन् मान्छे शङ्का गरिदिएर कि कति मान्छेले पुगे पछाडि दिँदा अनि पछि अनि भित्र आएँ म त उस्तै आज त म एलजेकै तर हो गएर ओ नका पेन्दै मे मास्क पेन त हौ सेम हालत हामीले त बसिरहेको छौँ अझै नै वेटिङमा छौँ कति 7:39 भइसक्यो अनि हाम्रो चाहिँ कति 9 बजेको फ्लाइट छ अनि हजुर आमा त्यता हजुरमा यता हेर्नु न हजुरमा अलिक गल्गीदेखि ग्यास्ट्रिक भएछ सर अलिक दिन पानी खाँदै हुन्छ हजुरमाले तातो पानी मात्रै अनि गाह्रो भएछ हजुरमालाई खाना पनि खानु भएन नि त बिहान अनि पहिला पहिला हिजो अस्ति जहिले मर्निङ वाक जानुहुन्थ्यो अहिले मतलब बिहान 2 बजीतिर के 3 बजीतिर मर्निङ वाक गएर फेरि घर आएर फ्रेस भएर फेरि थेरापीमा गएर फेरि घर आउनुहुन्थ्यो अनि खानुहुन्थ्यो नि मजाले अनि आज त मर्निङ वाक जानु भएन थेरापी जानुभयो त्यो भएर अनि अलिकति गाह्रो गाह्रो फिल भएर भएपछि डेली रुटिन बिग्रेर जाने कि अनि त्यही हो अनि त्यही अब लाग्नुपर्ने हुन्छ कति बजी हुन्छ हाम्रो होइन जस्तै 8:30 बजीतिर हामी भित्र जान्छ मलाई अहिले त्यतिकै 12 बजीतिर हाम्रो आमाहरू देखिन्छ मम्मी हजुरआमा यता अनि तपाईँको कपिल शर्मा सो चलरा हजुरमाको बेस्ट सो हामीले त भित्र आइसकेको छ है बसभित्र हामीले त्यो जस्तो हुन्छ फेरि ब्याग सबै हाम्रो हजुरमा सबसे सानो त्यही हो यहाँ सिधै उता प्लेनमा जान्छ अनि प्लेन सिधै त्यहाँको अन टाइमै टेक अफ हुन्छ जस्तो 9:50 फ्लाइट थियो 8:40 भइठाक्यो 10 मिनट भइसक्यो अब अनि त्यही जाँदैछौँ टेक अफ हुन्छ होला अनि होप सेफ जर्नी हाम्रो हुन्छ होला अनि त्यही गाइज अब म चाहिँ दुबईसम्म यत्तिकै जान्छु सुतेर अब के अन्त अरू अरू केही कामै छैन सुतेर यत्तिकै जान्छु होला मास्क लगाएर किनकि सबैजना नेपाली हुन्छ कि फ्लाइटभरि यता यो फ्लाइटभरि सबैजना नेपाली हुन्छ कि अनि कतिजना मान्छे त म फ्लाइट पनि चिनिसक्नु हो कि होइन तर खुसी लाग्दैन उहाँहरूले नाखाले इसारा दिन्छ उहाँ नाखाले इसारा दिन्छ त्यति सक्यो अनि त्यही कम्युनिकेसन अनि त्यही होला ठिक छ अब हेर पनि के हुन्छ होइन म फर्स्ट टाइम हो एकदम एक्साइटेड दुबईको लागि अनि फाइनली दुबई ड्रिम 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 कम्स ट्रु आज कस भने ल ठिक छ अब चाहिँ टेकअप भइसक्यो अब चाहिँ म यतिकै बस्छु किनकि अब देखाउनु पर्ने केही कुरै छैन त्यही हो अब सबजना सुत्ने हो यसरी मामा चाहिँ सुत्नु भएर चाहिँ सबजना सुत्ने अब कस्तो ठुलो प्लेन हुने यार म त फर्स्ट टाइम चढेको यो प्लेनमा मतलब यो के इन्टरनेसनल लिएर चाहिँ कहीँ गएको थिएन नि त बाहिर फर्स्ट टाइम दुबई ठिकै छ ल
अब रमाइल गर्नुपर्छ अनि त्यही अब ल्यान्ड भएपछि म देखाउँछु नि बिचमा केही यताउति भएपछि म देखाउँछु नि मेरो आवाज पनि आएको सही छैन थाहा छैन तर मैले त नजिक नजिक आएर बोल्दा छु कि ओके ल पर्सि हाल्नु भएको छैन आज नहाल्नु प्लिज सरप्राइज बिग्रिन चाहनु भएको छु हेर त्यो दिदीले चिनेपछि यता पुरै प्लेनको सबै यता ए उता अगाडिको मान्छे यता पछाडिको उता पछाडिको मान्छे दिदीले सबले आइस आइस गरेर है प्लेनमै पुरा आइस आइस जम्दिरहेको छ अचम्म लाग्दो होला अनि केही छैन ल अब भाँडा फुटिहाल्यो त्यही नि सबजनाले भन्नुभएको छ फोटो हालिदिनु भनेर लेट्स सी होइन फाइनली हामी यता ल्यान्ड गरिसकेको समय हेर्न सक्छ सो हामी चाहिँ बाहिर साउन्ड लिएर नि बानिसक्यो अनि बाहिर 43 हो कि 42 डिग्री सेल्सियस छ भन्ने हुन्थ्यो वेदर होइन गर्मी अनि हजुरमा मम्मी मामा हजुर चाहिँ कहाँ कहाँ यस्तो लगाइरहने कस्तो नयाँ नयाँ ठाउँ है त्यता हराउने जस्तो नि डर लाग्ने कि अब यता इमिग्रेसन जानुपर्छ अनि इमिग्रेसन गएर त्यसपछि हाम्रो बिलाल भाइ लिन आउँदै हुन्छ अनि भेटौँ न त्यसपछि है यता भिडियो बनाउनु मिल्दैन कि इमिग्रेसनमा अनि त्यही हो जाँदैछौँ यता माथि भन्छ बिस्तारै चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै यस गुड डन नाइस म त्यो बोकिरहेको छु मम्मी चाहिँ सबजना त्यो एउटा एउटा बोकिरहेको ल ठिक छ अब सिधै उता गएर भेटौँ होइन इमिग्रेसन सकेर किनकि यता लास्टै टाइम लाग्छ अरे क्या अन्त इमिग्रेसन सकेपछि अनि हजुरलाई भेट्छु नि ओके इमिग्रेसन केही काम खत्तम जानेको बाद मिल्थेँ सिधा ओहो एयरपोर्ट त बहुत मस्त थियो वा हामी अघि चाहिँ यता हिँडेको हिँडे छौँ है अनि यता हिँड्दा हिँड्दा यति त मेरो यता उता हाम्रो बुढाङ्गण्ड नि यति ठुलो छैन होला त्यहाँ कति हिँडिसकेर अघि हिँड्दा हिँड्दा खै टर्मिनल 3 पुग्नुपर्ने मान्छे खै कति हो 15-20 मिनट हिँडिसकेँ म अघि अहिलेसम्म पुगेँ होइन कत्रो ठुलो एयरपोर्ट होइन त्यहाँ यहाँ तर पनि यस्तो बबल के दाजु पुरा मलहरू भन्दा नि कत्रो म त कस्तो भनेको यस्तो गाउँको मान्छे यस्तो फिल भइरहेको कि म त भर्खरै त्यो हुन्छ नि केही थाहा नभएको के भर्खरै म अछामदेखि झरे जस्तो फिल भइरहेको मलाई अछामदेखि सिधै डुबे जस्तो कि यताको डिसिप्लिनहरू हेर पनि क्या डिसिप्लिन होइन हजुर हेर्न सक्नुहुन्छ नि यता कति साइलेन्स छ पुरै पुरी पुरी कि कसैले केहीको पर्वै छैन म यतिकै यस्तो गरेर हिँड्यौँ यस्तो गरेर हिँड्यौँ नेपालमा म यस्तो गर्दै गर्नु थिएँ यहाँ यसरी एउटा जो फ्रिडम चाहिँ हुने रहेछ त्यो नि नेपालमा है यसरी हिँड्यो भने त्यहाँ मान्छेले पुरै चारवटा मान्छेले हेरिहाल्थ्यो यहाँ त यसरी घुमि घुमि हेर्दाखेरि के ल सो बस सबै सब सामान लिएकै आएँ मतलब लिएकै लिने जा रहे इधर हाम्रो ब्याग स्याग ब्याग हो सब कुछ आ चुके इधर लगेज वगेज अरू मै थोडा मतलब क्रिकेट प्लेयर टाइपका लग रहा हौ
मतलब ऊपर से नीचे तक ये देख सकते हो। हाँ वही है मेरी, मतलब उतै हो मेरो। यस यो होइन यो होइन यो कसको त्यो है भर्खर चाहिँ यता हाम्रो बिलाल भाइ र अनि के अरे अङ्कल आइसँग होइन एल्जाको बाबा अनि त्यही हो मलाई त के लागेर त एल्जाको बाबालाई थाहा छैन होला भनेर सोचेको त पछि त एल्जाको बाबा पनि आइदिएको अनि हामी यता भेटिसक्यौँ अब उता दुसा लिन जानु भयो अनि अब यहाँ चाहिँ हामी सिधै जान्छौँ बाहिर अनि बिलाल भाइको घरमा बस्छु मैले चाहिँ होइन अनि बेलुका सिधै सरप्राइज लाइक अब त्यो म सायद उता बिलाल भाइको घर घर म ब्लग चाहिँ एन्ड गरिदिन्छु र हो फुलि त्यो बिलाल भाइले मेरो लिए जुस लिएको आयो थ्याङ्क यू मेरो भाइ मेरो ब्लग गर्दै मेरो तर बाबाकै सामने त ब्लग मात्रै नै मेरो बाबा जिउँदो रहेछ कि मेरो देखाएर दूर है क्या भाई इधर से नहीं सामने जाने सामने तो वो सामने वाली बॉर्डर की बात ना वो पार्किंग निशान वाली वहाँ जाना है। अरे यार ले तो लास्ट टाइम गर्मी को रेशन थे यहाँ तो ये तो अजीब सी गर्मी है भाई यार बाहर निकल के कुछ भी नहीं है इधर तो ये गर्मी नहीं है नहीं अरे मुझे लग रहा है भाई ऊपर आग जला रहे हाँ वही तो कस्तो गर्मी छ यार अनि हजुरलाई कस्तो लाग्छ यता गर्मी यताको यता यस्तो गर्मी छ चाहिँ त्यो सानोसँग हाल्दै हुन्छ है तपाईँले पाएकोमा अनि हामी चाहिँ यसमा जाने रे जानुहोस् भन्नु सामान हाल्छु त यस्तो गर्मी चाहिँ कस्तो भने कि यार यो गर्मीले त यार पसिना आइसक्यो भने यार त्यो मतलब त्यो मान्छेलाई त्यो पसिना आउने बेला गर्मी होइन कि अर्को टाइपको गर्मी छ खै के गर्मी यार एकैचोटि त्यो च्यापदिन्छ कि छाले त्यो कक्रक्क बनाइन्छ नि त्यो तातो बाफले सामान हालेछ म नै भइहाल्छु ओके अब सिधै उता घरमा गएर भेटौँ न अहिले बाटोमा देखाउँछु हजुरलाई त्यहाँ त्यो गर्मी त यार ओके दाजु हामी अब पुगिसक्यौँ अनि जाँदैछौँ उता बिलाल भाइसँग हिरो भाइ र हजुरमा रमान मामु सबजना पछाडि हुन्छ अनि त्यही हो अब हामी सिधै आफ्नो घर जान्छौँ अनि सिधा आज अब म त ब्लग यतै एन्ड गर्नु लाग्यो कि अनि उमरू गाना एलिजेकी बर्थडे ब्लग आयो कि कल गाना त आज आयो कि सायद यो सन्डे अपलोड हो कि त ठिक है त गाइस टेक केयर अफ सेल र बिलाल भाइ कुछ बोल्दो यार आफ्नो कुछ बोलेँ नि यार नाराज हो क्या मेरो दुवै आ गया उत्तरा एयरपोर्ट चाहिँ डाइरेक्ट बोल्छ भाइ बहुत गर्मी लग रही है यार बहुत गर्मी है अरे आग लग रही थी आ गया बड़ी खुशी बड़ा अच्छा लगा मिलके मामा मम्मी हजुरामा अभी आ गया और भी है ओके गाइस टेक केयर ऑफ योरसेल्फ अब आप इधर ही एंड कर देंगे व्लॉग अब तो बस हिंदी में बस हिंदी में ब्लॉग है क्योंकि हम मैं दुबई में हूँ कुछ नहीं पता नहीं किसी को भी नहीं पता होगा वो पापा जी आ गए ना नहीं वो हम लोग काम से जाते रहते हैं बाहर बस बाबा जी को पता है ना बस पापा को पता है कि मतलब हम आए ठीक है और घर में और किसी को पता ही नहीं है एलजे वगैरह सब कुछ अभी मुझे एलजे ने टेक्स्ट की थी तो मैंने उसको कुछ और बात बता के उसको मैंने वो इतना उल्लू है यार कसम से यार तीन चार दिनों से मैं उसको उल्लू बना के उससे मुझसे कल पूछा भी था कि भाई आयुष आ रहे क्या मैंने कहा नहीं कैसे आएगा वो जब वीजा ही नहीं है तो आयुष कैसे आएगा आयुष नहीं आ सकता इम्पॉसिबल सी बात है बस कसम से हमारे वीजा की तो हिस्ट्री बहुत बहुत भयानक सी स्टोरी है वीजा की आप लोगों को किसी दिन बता दूंगा मैं लाइव में या कहीं भी हम डिस्कस करेंगे फिर से अब तो मतलब लाइव वही बहुत यार बहुत वीजा की तो कसम से यार मेरी तो मैं डिप्रेशन में चला गया था वीजा की वजह से तो अभी मैं दुबई आ चुका हूँ तो मैं डिप्रेशन आ चुकी है तो ठीक है गाइस अभी मैं इधर एंड कर देता हूँ अब शाम को मैं बर्थडे ब्लॉग बनाऊंगा तो कल सुबह देख लेना बर्थडे ब्लॉग भी एल जे की अब डेली ब्लॉग आ जाएगी एंड वही है गाइस टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड लाइक कमेंट से सब्सक्राइब स्टे ट्यून और आज शाम गाना आ रही आयुजे प्लीज डू वॉच एंड शेयर ओके ल टेक केयर ऑफ योरसेल्फ बाय बाय
ओके बाय।